नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एकैड डिज़ाइनिंग में। और इस वीडियो में हम देखेंगे रेंडरिंग का पार्ट। हमने जो सीरीज चालू की है ऑटोकैड 3D मॉडलिंग एक्सरसाइज ट्यूटोरियल की, उसमें हम मैंने थंबनेल में एक यहाँ पे जो ब्लॉक डायग्राम दिखाई थी वो सब सारे रेंडर इमेजेस है। तो कई सारे व्यूअर्स ने मुझे पूछा था कि आप इस वीडियो में अन का पार्ट यहाँ पे नहीं दिखाते जो कि रेंडरिंग का है। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि रेंडरिंग के लिए यहाँ पे टाइम लगता है उसके सेटिंग्स करने के लिए। तो उसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, उसमें हम सिर्फ रेंडरिंग का पार्ट जो है हमारे थंबनेल की है या फिर इस ब्लॉक के अच्छे से व्यू के लिए हम इसे मेटेलिक या फिर कोई भी प्लास्टिक मटेरियल हम टेक्सचर देंगे और उन्हें अच्छे इमेज के लिए रेंडर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेंडरिंग। तो सबसे पहले हमारे पास एक कंप्लीट डायग्राम होनी चाहिए जिसका भी हम रेंडर बनाने वाले जिस ऑब्जेक्ट के लिए, इस प्रकार से। उसके बाद हमें बेस के लिए एक एज अ रेफरेंस प्लेन चाहिए एज अ सरफेस। तो सबसे पहले हम डायग्राम को सेट करने के बाद हमें डिसाइड करना है कि हमें इसे फ्रंट साइड में चाहिए, हमें किस साइड पे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में चाहिए। तो मैं यहाँ पे टॉप प्लेन पे बेस के लिए यहाँ पे प्लेन सरफेस ले रहा हूँ। तो यहाँ से प्लेन सर्फ कमांड ले लेते हैं और अप्रोक्सीमेट हमारी ऑब्जेक्ट कवर हो जाए इतना प्लेन सर्फ यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ। तो मेक श्योर कि आपको प्लेन से डिस्टेंस चाहिए, जैसे कि यहाँ पे फ्रंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से 2D वायरफ्रेम कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा प्लेन सर्फ है और यहाँ से थोड़ी हाइट पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से हम फ्रंट को सिलेक्ट करेंगे और इसे मूव करेंगे अप्रोक्सीमेट, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गैप रख देंगे ताकि हमारे ऑब्जेक्ट जो है एज अ प्लेन पे यहाँ पे बैठ जाए। तो यहाँ से SW आइसोमेट्रिक व्यू ले लेते हैं और यहाँ से चेंज करेंगे विजुअल स्टाइल रियलिस्टिक में, इस प्रकार से। तो यहाँ पे प्लेन सरफेस अप्रोक्सीमेट हमारे ब्लॉक आने के बाद हमें यहाँ पे विजुअलाइज में आना है, विजुअलाइज टैब में, और यहाँ से हम फर्स्ट लाइट के पैनल में से शेडो को ड्रॉप डाउन करेंगे और ग्राउंड शेडो को चूज़ करेंगे। आप फुल शेडो को भी चूज़ कर सकते हैं या फिर ग्राउंड शेडो को चूज़ कर सकते हैं। तो मैं ग्राउंड शेडो को यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अप्रोक्सीमेट यहाँ पे शेडोज जो है यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद हमें आना है रेंडर पैनल में, यहाँ से हम रेंडर की साइज़ जो है यहाँ पे फिक्स करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे मिनिमम रेंडर पिक्सलिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जो है 800x600। आपको अगर आपकी सेटिंग हो जाए, आपको मटेरियल अच्छा लगे तो आप हाई एंड पे यानी कि मैक्सिमम पिक्सल पे आप जा सकते हैं 1920x1080 पे। यह है फुल HDTV रिजोल्यूशन। तो फिलहाल हम एक एज अ ट्रायल के लिए हम इसे बाय डिफ़ॉल्ट मिनिमम पिक्सल पे यहाँ पे सेट करते हैं। उसके बाद हमें ड्रॉप डाउन करना है यहाँ से और रेंडर एनवायरमेंट एंड एक्सप्लोर को यहाँ से ओपन करना है और इसे सिर्फ ऑन कर देना है इस प्रकार से, ताकि ये हमारे एनवायरमेंट की तरह है, हमें एज अ विजुलाइज जैसे हम आंखों से देख रहे हैं उसकी तरह से ये विजुलाइज हो जाए। और आपको एडिशनल ब्राइटनेस चाहिए तो आप यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं और वाइट बैलेंस यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से। तो बाय डिफ़ॉल्ट ही इसे रहने दें क्योंकि ऑटोकैड में ये बाय डिफ़ॉल्ट ही अच्छा लगता है, क्योंकि इस बेसिक स्टैंडर्ड्स यहाँ पे वैल्यूज़ के साथ इसे सेट किया था। तो दैट्स इट। अब लेते हैं इसकी मटेरियल लाइब्रेरी। उसके लिए हमें शॉर्टकट की लेनी है RMAT, यहाँ से RMAT, यानी कि आप यहाँ से भी ब्राउज कर सकते हैं मटेरियल, और शॉर्टकट की है इसकी RMAT। तो जैसे RMAT ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने मटेरियल लाइब्रेरी जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगी इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको जो मटेरियल चाहिए वो डायरेक्टली आप यहाँ से सिलेक्ट सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम ले लेते हैं एक मेटल वाला पार्ट इस प्रकार से। जैसे कि मेटल को ड्रॉप डाउन करके यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपको मिल जाएगी। बाय डिफॉल्ट सेटिंग में आपके व्यू इस प्रकार से नहीं रहेंगे, तो इसे यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए व्यू टाइप व्यू आता है लिस्ट, तो आपको कुछ इस प्रकार से ये दिखेंगे। जैसे आपको विजुलाइज अच्छा लगता है उसी हिसाब से इसे सेट करेंगे। तो टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट व्यू रख सकते हैं या फिर थंबनेल व्यू चाहिए तो थंबनेल व्यू रख सकते हैं, ताकि हमें इस मटेरियल टेक्सचर की आइडिया आ जाए। तो सिंपली मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि जो मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ वो है ब्रश मटेरियल। जैसे हम ब्रश पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखिए ब्रश टाइप के और मटेरियल्स यहाँ पे अवेलेबल है, ब्रश पॉलिश एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ब्रश स्टेनलेस स्टील को मैं सिलेक्ट करके, सिंपली इसे सिलेक्ट करने के बाद आप ऑब्जेक्ट पे इसे ड्रैग कर दीजिए इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्ट जो है ब्लैक कलर में आ जाएगी, क्योंकि हमारा विजुअल स्टाइल यहाँ पे रियलिस्टिक है इस प्रकार से। तो जैसे स्टेनलेस स्टील पॉलिश यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो देखिए हमारे करंटली जो यहाँ पे मटेरियल लाइब्रेरी है उसमें ये ऐड हो जाता है। तो सिंपली इसे क्लिक करने के बाद
आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी मटेरियल की। तो यहाँ पे देखिए जो विंडो हमारे सामने पॉपअप हो चुकी है, यहाँ से हम मेटल का टाइप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम चाहिए तो एल्यूमिनियम ले सकते हैं, और यहाँ पे देखिए व्यू चेंज हो जाएगा इसका। तो जो आपको चाहिए एज अ क्रोम कॉपर तो इस प्रकार से कॉपर दिखेगा, और ब्रास चाहिए तो इस प्रकार से आ जाएगा, ब्रास, स्टेनलेस स्टील, जिंक, इस प्रकार से मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो सिलेक्ट करते हैं ब्रास, और यहाँ पे सेकंड में है रिफ्लेक्ट, यहाँ पे पैटर्न है, जो पैटर्न हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ब्रश के लिए वो यहाँ से इमेज यहाँ पे आ जाएगी। आप चाहे तो इसे कस्टम इमेज के साथ चेंज कर सकते हो, या फिर नर्लेट यहाँ पे ले सकते हो। तो नर्लिंग जो आता है उसके हिसाब से यहाँ पे आएगा डायमंड प्लेट का पैटर्न, चक्कर प्लेट का पैटर्न आता है, और कस्टम इमेज जो हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इस मटेरियल में सेट था। तो इस रीनेम पे क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए मटेरियल लाइब्रेरी जो है ओपन हो जाएगी। इसका व्यू बढ़ा देते हैं एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन के साथ। तो यहाँ पे देखिए सैंड्स के साथ हमें वुडन पैटर्न, वुड के पैटर्न भी मिलते हैं, साथ ही साथ हमें स्टोन के पैटर्न भी मिलते हैं। तो यहाँ पे लाइब्रेरी में बहुत सारे पैटर्न्स यहाँ पे अवेलेबल है, जो आपको पसंद आता है, जो आपको रिक्वायर्ड है, उसे आप पिक करके उसके लिए टेक्सचर के लिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिनिशिंग का आता है, यहाँ पे चार टाइप्स आते हैं। एक पॉलिश है जो हाई ग्लोसी की तरह दिखेगा, नीचे है यहाँ पे सेमी पॉलिश, यहाँ पे स्टेन और ब्रश। जैसे हम पॉलिश पे क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट हाईलाइटेड रहेगा, जो ज़्यादा ग्लोसी दिखता है। सेमी पॉलिश कुछ इस प्रकार से दिखेगा, सेमी पॉलिश की तरह, और स्टेन यानी कि इसमें कोई चमक नहीं रहेगी, सिर्फ ब्रश की तरह दिखेगा, और यहाँ पे ब्रश यानी कि सिंपली एक ब्रश पैटर्न की तरह ही ये दिख देगा। तो इसे कर देते हैं क्लोज। तो हमने बाय डिफॉल्ट पे यहाँ पे देखिए इसे ब्रश पे छोड़ दिया है, ये ब्रश कस्टम इमेज हमने बाय डिफॉल्ट ही छोड़ दिया है, तो इसे क्लोज कर देते हैं। और रेंडर के लिए हमें जो प्लेन सर्फ लिया है उसके लिए हम एक मटेरियल लेंगे वाइट पूल का, तो डायरेक्टली हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं वाइट पूल मटेरियल। तो आपके देखिए आपके सामने ये दो मटेरियल आ जाएंगे, तो सिंपली ड्रैग करेंगे इसकी प्लेन सर्फ के ऊपर इस प्रकार से, इसे एग्जिट कर देंगे, तो करंटली हमारे लाइब्रेरी में जितने भी अवेलेबल है यहाँ पे शो होने लगेंगे। उसके बाद जूम के हिसाब से हम इसे सेट करेंगे इस प्रकार से, आपको जितना रिक्वायर्ड व्यू चाहिए उसे हम जूम कमांड से सेट करेंगे इस प्रकार से। चाहे तो आप ऑर्बिट की मदद से भी इसे इसका व्यू आप रोटेट करके सेट कर सकते हैं इस प्रकार से। अब रेंडर को ड्रॉप डाउन करने के बाद हमारी जो सेटिंग जो है मिनिमम पिक्सल पे है, ठीक है, क्योंकि हमें क्विक व्यू चाहिए एज ए एक्सपेरिमेंट के तहत। तो उसके बाद ड्रॉप डाउन करने के बाद रेंडर विंडोज करंटली आपको चाहिए तो आप सिलेक्ट करके यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा, डायरेक्टली आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए इस प्रकार से, तो रेंडर की इमेज विंडो आपके सामने आ जाएगी। जैसे रेंडर स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे इंटेलिजेंस के हिसाब से, तो यहाँ पे देखिए ये जो रेंडरिंग की इमेजेस है वो स्टार्ट हो चुकी है, वेट कीजिए इसे ख़त्म होने तक। हालांकि हमने यहाँ पे मिनिमम पिक्सल क्वालिटी ली है, तो ये जल्द से जल्द 12 या 13 सेकंड में, ये डिपेंड करता है आपकी जीपीयू के ऊपर, आपका ग्राफिक्स कितने काबिलियत का है उसके ऊपर। अगर जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सिर्फ ब्रश का मटेरियल हमारा जो ब्रास का लिया है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। उसे कट कर देते हैं, फिर से इस मटेरियल के प्रॉपर्टी में चले जाते हैं, और यहाँ से ब्रश किया हम सेमी पॉलिश ले लेते हैं इस प्रकार से। अब करते हैं रेंडर पे क्लिक, फिर से यह ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये जो हमारा मटेरियल है वो ज़्यादा थोड़ा सा ग्लोसी हो रहा है, जो ब्रश के पहले हिसाब से लिया था उसके भी ज़्यादा ये ग्लोसी हो रहा है। इसे थोड़ा ज़्यादा सेकेंड्स लगेंगे क्योंकि ये रेंडरिंग में हाई आता है ग्लोसी लुक, तो यहाँ पे देखिए 70 सेकेंड में ये कम्प्लीट हो चुका है इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए ग्लोसी लुक थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ चुका है, तो इसे कट कर देते हैं। अब यहाँ से और एक बार चेंज लेते हैं पॉलिश, यानी कि पूरा पॉलिश यानी ग्लोसी इसका हाई रहेगा, और क्लिक करते हैं रेंडर पे, तो ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होके ये न्यू इमेज के लिए रेंडर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हाई ग्लोसी लुक इसका जो पॉलिश मटेरियल रहता है उसके हिसाब से ये रेंडर हो रहा है। तो इसके लिए पहले से भी ज़्यादा सेकेंड्स लगेंगे, अप्रोक्सीमेट 20 या 25 सेकेंड्स। तो यहाँ पे देखिए 20 सेकेंड्स में ये कंप्लीट हो चुका है, तो ये हाई ग्लोसी मटेरियल यहाँ पे दिख रहा है, तो इसे कट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट पैटर्न जो है इसका यानी कि रिफ्लेक्शन इसका इसके ऊपर कोई नहीं रहेगा, तो रिलीफ पैटर्न हम यहाँ से इसका
हटा देते हैं और हाई ग्लोसी पे इसका सेटिंग रख देते हैं, पॉलिश पे ही, तो इसे कहते हैं रेंडर। अब इस इमेज पे कोई भी रिफ्लेक्ट पैटर्न नहीं है, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हाई ग्लोसी इमेज यहाँ पे हमारे मिल जाएगी। इस प्रकार से व्यू जो हमें मिल जाएगा। अब इसे मैक्सिमाइज कर देते हैं और यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन है उसे हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम व्यू को वन बाय वन एनालाइज करेंगे। जैसे कि हमने देखा था कि विद हमें रिलीफ पैटर्न जो है हमारा रिफ्लेक्ट पैटर्न यहाँ पे आ चुका था हाई ग्लोसी सेटिंग के साथ। उसके बाद रिफ्लेक्ट पैटर्न के साथ सेमी ग्लोसी पैटर्न यानी सेमी पॉलिश का, और यहाँ पे जो ब्रश पैटर्न या फिर स्टेन पैटर्न हमारा इस प्रकार से इमेज आ जाता है। तो हर एक मटेरियल को आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ से, ब्रश है तो ब्रश, कॉपर, जिंक, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, एनोडाइज एल्यूमिनियम, तो सभी आप टेक्सचर आपको जो रिक्वायर्ड लगता है, जो अच्छा लगता है आपको, वो सिलेक्ट करके आप इसे रेंडर कर सकते हो। तो रिलीफ पैटर्न को टिक करते हैं और नीचे जो ऑप्शन है वो है कटआउट का। इसके लिए मैंने वीडियो के एंड में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके प्लेलिस्ट के मदद से आप वीडियो चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने कटआउट्स के वीडियो बनाए हैं, वहाँ पे कटआउट लेके आप रेंडर कैसे करते हैं वो ऐसे सीख जाएंगे। उसके बाद जो यहाँ पे है टिंट, यानी कि टिंट का कलर, अगर आपको इसमें एडिशनल कौन सा कलर एक ऐड करना है तो उसे आप टिंट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा ग्रीन कलर डाल देता हूँ, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन का जो कलर आता है उसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीन कलर का शेड आ जाएगा, उसे ओके कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का शेड मैंने थोड़ा सा डाल दिया है और यहाँ से हम सेमी पॉलिश कर देते हैं। तो हमारे साथ रिलीफ पैटर्न भी है, तो देखिए ये किस प्रकार से बिहेव करता है। तो यहाँ पे देखिए जो हमने टिंट का कलर सिलेक्ट किया था उसे ग्रीन के कलर के साथ ही यह ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट करके इसे रेंडर कर देगा इस प्रकार से। इसे कट कर देते हैं, टिंट पैटर्न को हटा देते हैं, तो अपने आप जगह पे ये कलर पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये मेटल का हो गया। तो आप चाहिए तो यहाँ से मटेरियल से कोई भी या फिर मिरर ले सकते हैं, पेंट, प्लास्टिक, रूफिंग चाहिए तो रूफिंग का ले सकते हैं, स्टोन, वॉल कवरिंग, वॉल पेंटिंग, वुड के पैटर्न्स, यहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरी अपडेटेड है। आप चाहे तो कौन सा भी पैटर्न उठा के आप किसी भी इमेज को रेंडर कर सकते हैं। एक बार अपना मटेरियल फिक्स होने के बाद, आपका रेंडरिंग सेटिंग होने के बाद, हम क्या करेंगे यहाँ पे जो हमने साइज सिलेक्ट की थी रेंडर टू साइज के लिए, उसे हम मैक्सिमम पे सेट करेंगे, यानी कि 920 बाय 810 पिक्सल पे, यानी कि फुल एचडी टीवी को इसे सेट करेंगे। उसके बाद इस व्यू को हम सेट करेंगे अच्छी तरह से, जो हमें अच्छा लगेगा उस एंगल में हम इसे सेट करेंगे और इसे फाइनल रेंडर के लिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होने के बाद ये रेंडर के लिए आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे HDTV के लिए रेंडर किया, तो इसे लगभग टाइम लगेगा, ये डिपेंड करता है आपके ग्राफिक कार्ड के ऊपर। तो उसके लिए मिनिमम आपका 1-1.5 मिनट तो जाएगा, अगर आपका GPU परफेक्टली काम करता है तभी। तो यहाँ पे हमारा रेंडरिंग जो है कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो इमेज की क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आई है। इस प्रकार से हम इमेज को सेव कर सकते हैं। यहाँ से इस आइकॉन पे क्लिक करने के बाद आपको ये पूछेगा कहाँ पे सेव करना है, तो डेस्कटॉप पे क्लिक कर दीजिए। आपको रीनेम चाहिए तो रीनेम दीजिए, जो पसंद है सेव कीजिए। और यहाँ पे देखिए हाई क्वालिटी के लिए चाहिए तो हम 32 बिट 24 बिट्स प्लस अल्फा में सेट करेंगे और इसे कर देंगे ओके। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इमेज जो है हमारे डेस्कटॉप पे यहाँ पे सेव हो जाएगी इस प्रकार से। इस इमेज को हम ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार की क्वालिटी हमें यहाँ पे मिल जाएगी इस प्रकार से। आई होप कि ये वीडियो आपके समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ रेंडरिंग मैंने सिर्फ मटेरियल का दिखाया है इस वीडियो में, हालांकि उसके बाद भी रेंडरिंग में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि लाइट इफेक्ट या फिर सनलाइट इफेक्ट्स आते हैं, उसके साथ मटेरियल लाइब्रेरी को एडजस्ट करना, कस्टम मटेरियल लाइब्रेरी बनाना, तो उसके भी ऊपर मैं वन बाय वन वीडियोस बनाते रहूँगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ आपको मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।